लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सान्या जैन, आई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने निगम की संपत्ति कर शाखा पर घोर अनियमितता और फर्जीवाड़े के लगाया आरोप। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए भी हो रही अनियमितता की पुष्टि। अयोध्या मामले को लेकर सभी जांच एजेंसियां अलर्ट पर। इंदौर में बम स्क्वाड द्वारा रेलवे स्टेशन पर की आकस्मिक चेकिंग। राम मंदिर अयोध्या के फैसले आने से पहले इंदौर पुलिस ने कसी कमर। थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में गश्त के साथ ही पुलिस बल भी बढ़ाया। संपत्ति के कानूनी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने निगम की संपत्ति कर शाखा पर घोर अनियमितता और फर्जीवाड़े के मय प्रमाण आरोप लगाए हैं। इस मामले में कई शिकायत के निवारण अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए भी होने से अनियमितता की पुष्टि हो रही है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में द्विवेदी ने बताया कि हाल ही में सह स्वामित्व के नए नियम के बाद संपत्ति के कूट रचित दस्तावेजों से रजिस्ट्री और नामांतरण के कई मामले सामने आए हैं। इस मामले में पंजीयन विभाग ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर व्यवहारिक संज्ञान लिया है, जबकि निगम के जिम्मेदार अभी भी आंखें मूंदे बैठे हैं। संपत्ति के फर्जीवाड़े के शिकार लोगों ने इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। इसके बाद अब संपत्ति कर शाखा गलतियां दुरुस्त करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कि वह नींद से जगे और इस मामले में उच्च स्तरीय प्रयास करते हुए रोक लगाएं। रजिस्ट्रार कार्यालय इस पर रोक लगाने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ दिनों के अंदर जिला प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें क्या पूर्व कमिश्नर को अभी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है इस प्रकार का। महापौर के जी के साथ साथ पूर्व कमिश्नर मनीष सिंह जी ने एक आदेश जारी किया था कि जब वसीयतों के आधार पर नामांतरण फर्जी होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने ये आदेश जारी किया था। और जो नियम संगत था कि जो भी वसीयत के आधार पर नामांतरण होंगे, ये नामांतरण नगर निगम मुख्यालय से ही होंगे, एक ही जोन से होंगे, मुख्यालय जोन से। और इसकी एक बड़ी प्रक्रिया है, उसमें बकायदा जाहिर सूचना दी जाती है, मृतक के वारिसों के दावे और आपत्तियों को बुलाया जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र आपने जो प्रस्तुत किया है तो बाकायदे शमशान घाट में जाकर के उसकी तस्दीकी की जाती है, और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद नामांतरण किया जाता है। लेकिन वर्तमान में विगत 2 सालों के अंदर ऐसा लग रहा है कि इन सारी प्रक्रियाओं को ख़त्म कर दिया है। मेरे पास अभी आधे घंटे के अंदर एक और दस्तावेज आ रहा है, जिसका फ़ोन लगातार आपके सामने आ रहा है कि संबंधित व्यक्ति महिला मरी नहीं है और नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, और उसके बेटे ने ही एक फर्जी दान पत्र बना करके अपने बेटे को प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया नगर निगम की रसीद के आधार पर। मेरी दादी और मेरी मम्मी के संयुक्त नाम से एक प्लाट विदुर नगर में, जिसका नंबर 738 था, साइज 3000 स्क्वायर फीट, दोनों आधे आधे मालिक थे। मेरे प्लाट के ऊपर फर्जी कागजों के आधार पर नगर निगम में नामांतरण कर दिया गया। 50 रुपये के स्टाम्प पे फर्जी नोटरी, जिसमें नोटरी का नाम और नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, नोटरी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, किसी नोटरी की फर्जी पुराने सील लगा दी गई है, जिसपे उसके आधार पे स्वयं नोटरी की सील भी स्वयं बना के रखते हैं वो, स्टाम्प किसी और के नाम का और बनवाने वाला कोई और, ऐसे दस्तावेज के आधार पे नगर निगम ने नामांतरण कर दिया। और जिसके उसके पन्ने भी पूरे नहीं है, जिसमें 3 पेज उसमें लिखे हुए हैं और 2 ही मुझे मिले हैं। जी, ये आधार, ये मैंने सूचना के आधार पे निकलाया कि किस आधार पे आपने दस्तावेजों पे मेरे प्लाट का नामांतरण करा, मेरे माता पिता, मेरी दादी और मम्मी के, उन्होंने ये मुझे दिया, ये इस आधार पे, ये संजय सिंधे के, इस आधार पे करा, ये उसने शपथ पत्र लगा दिया है, 20 रुपये के स्टाम्प पे मात्र शपथ पत्र है, ये मात्र 20 रुपये के स्टाम्प पे शपथ पत्र पे दे दिया, और ये शपथ पत्र है किसी और नाम से और बनवाने वाला कोई और व्यक्ति है, और इसमें ये नोटरी की सील देखिए आप, ये नोटरी का नाम और नंबर आपका कहीं दिख रहा है क्या?
जहां देश भर में अयोध्या मामले को लेकर सभी जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं, उसी के चलते इंदौर बम स्क्वाड द्वारा रेलवे स्टेशन पर आकस्मिक चेकिंग की गई, जहां पर कई अनियमितताएं पाई गई। स्टैंड संचालक को पहले भी हिदायत दी गई थी कि पार्किंग करने वाली गाड़ियों के साथ साथ उनकी गाड़ी नंबर नहीं बल्कि उनके पहचान पत्र के रूप में कोई भी आईडी ली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर स्टैंड संचालकों की लापरवाही सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। केवल गाड़ी नंबर ही दिखाई दी, उसके बाद दो मिस कॉल द्वारा उन्हें एक बार फिर ये चेताया गया कि इस प्रकार की यदि लापरवाही मिली तो आगे फिर कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिर रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। राम मंदिर अयोध्या के फैसले आने से पहले इंदौर पुलिस ने कमर कस ली है। इंदौर शहर पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसको लेकर एसएसपी ने शहर के सभी अधिकारियों की एक बैठक भी ली थी। बैठक के बाद सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में गश्त के साथ ही पुलिस बल भी बढ़ा दिया है। शहर भर के चौराहों पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पुलिस ने कई ऐसी जगह चिन्हित की हैं जहां पर बंकर बनाए हैं, जो कि शहर में अति संवेदन क्षेत्र हैं, जैसे चंदन नगर, खजराना, सदर बाजार, आजाद नगर। वहीं थाने के अंदर भी सुरक्षा और हुड़दंगियों से निपटा जा सके इसके लिए बंकर बनाए हैं। वहीं अयोध्या मामले को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया पर पैनी नजर जमा रखी है। किसी भी प्रकार की अनर्गल पोस्ट या भ्रामक संदेश कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भी पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। वहीं पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर बांड ओवर की कार्रवाई की जा रही है, जिससे शहर में शांति व्यवस्था बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी 10 दिनों में काफी इवेंट्स हैं हमारे को जुलूस है, हमारे समाज का जुलूस है, आईटीए का प्रोग्राम है, क्रिकेट मैच है और साथ ही जो अयोध्या पर निर्णय आने वाला है उसको लेकर के पुलिस की तैयारियां अपनी जगह दुरुस्त हो चुकी है और एक्स्ट्रा फोर्स का हमारा रिक्वायरमेंट जा चुका है। जगह जगह हमारी स्ट्राइकिंग रिजर्व रहेगी, ऐसे हम किसी दिक्कत की उम्मीद नहीं करते, लेकिन कहीं पर भी अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसमें तत्काल हमारा एक स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट है, वो सभी पूरे एरिया, पूरे जिले में, इनफैक्ट देहात में भी हमारे स्ट्राइकिंग रिजर्व रहेंगे, तो बड़ी तत्काल उस स्थिति पर, उस जगह पर पहुँच करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। हमने हमारे थानों में भी बंकर्स और हमारे जो पुलिस लाइन्स हैं उनमें भी हमने सेफ्टी मेजर्स हमने किए हुए हैं, साथ ही कहीं पर भी अगर हमको कोई ऐसा बैरिकेडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, कट ऑफ पॉइंट्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी किया जा रहा है। जगह जगह हम शांति से। जन अधिकारी पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष ठाकुर पर 13 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मनीष ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर मोहम्मद इस्माउद्दीन पिता मोहम्मद सलीम ने राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मनीष ठाकुर पर 13 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मनीष ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनीष ठाकुर के भाई ने अपने आरोपों से बचते हुए इसे विपक्ष की साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। ये आरोप सर सरासर झूठा है और गलत है। ये मैं सर एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और मैंने लगभग 5-6 साल उनके बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाया है, जो कि वो अपने बयान में बहुत बार बोल भी चुके हैं। और ये जो लगातार उनके द्वारा बयान और बोला जा रहा है कि पप्पू यादव के नाम पर मैंने 13,40,000 रुपया का ठगी किया है भारत गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो वो एक भी प्रूफ दें कि मैंने पप्पू यादव के नाम पर उससे 13,40,000 रुपया लिया है। 6 लाख का उन्होंने कंपनी को RTGS किया है, जो कि सिवाको एसोसिएटेड नाम से है। उसके बाद उनका कोई ऐसा पैसा का लेन देन है नहीं हमसे, वो एक जाली एग्रीमेंट पेपर तैयार किए हैं खुद से, और उसी जाली एग्रीमेंट पेपर के तहत वो मुझे और कुछ व्यक्ति विशेष को भी इसमें खींच रहे हैं, इसमें पार्टी को, माननीय सांसद पप्पू यादव जी को भी, जो कि हमें लगता है कि कुछ विरोधियों की ये चाल है, क्योंकि लगातार पप्पू यादव जी के द्वारा जो बदलाव और अच्छाई का काम चल रहा है, उनको, उनके नाम को, उनके वर्चस्व को खराब करने का, और सुनील यादव या फिर गुड्डू खान हो या फिर ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका इससे कहीं कोई लेन देन नहीं है, वो इसे सर राजनीतिक रूप देकर मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। उनके द्वारा कुछ पेपर, कुछ फोटो, सर मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा पेपर है, जिसमें कि एक पेपर ऐसा भी है जिसमें कि माननीय हमारे कटिहार जिला के DSP सर, उन्होंने भी ये लिख कर दिया है कि बहुत सारे बिंदुए हैं जिस पर जाँच होनी चाहिए, और जहाँ तक बात है एग्रीमेंट की, तो वो एग्रीमेंट का हस्ताक्षर भी जाली है, जिन पर जांच करने का भी आदेश दिया गया है। बुरहानपुर नगर निगम को सीएम कमलनाथ के आदेशों का पालन करने की फुर्सत नहीं है। गौरतलब है कि सीएम कमलनाथ ने सभी नगर निगमों व
नगर पालिका को ये आदेश दिए थे कि एक सप्ताह के भीतर शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स पोस्टर को हटाया जाए और कलेक्टर की अनुमति के बाद ही होर्डिंग्स पोस्टर लगाए जाएं। प्रदेश के कई नगर निगमों में तो इसका पालन होना शुरू हो गया, लेकिन बुरहानपुर नगर निगम के अफसर कर्मचारियों को इसकी फुर्सत नहीं है। शहर के सबसे मुख्य सनवरा चौराहे पर ऐतिहासिक दीवार के आगे खुद नगर निगम ने अपना ई नगर पालिका के प्रचार प्रसार का होर्डिंग्स लगाया है। जबकि ऐतिहासिक दीवार ना छुपे इसके लिए नगर निगम ने ही यहां होर्डिंग्स लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। नगर निगम अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रही है। रही बात पूरे शहर की, तो शहर में एक लंबे समय से होर्डिंग्स एड एजेंसी व नगर निगम कर्मचारियों की साठगांठ से पूरा शहर अवैध होर्डिंग से पटा पड़ा है, जिससे शहर की खूबसूरती पर तो भट्टा लग रहा है, साथ ही नगर निगम के राजस्व को भी चूना लग रहा है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अजय उदासीन, जब प्रदेश में बीजेपी सरकार थी तब से इन अवैध होर्डिंग्स हटाए जाने की मांग करते चले आ रहे हैं। अब जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद भी निगम का ढर्रा वैसा का वैसा ही है, लिहाजा अब शिकायतकर्ता कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। उधर नगर निगम के जिम्मेदार अफसर सीएम कमलनाथ के एक सप्ताह के भीतर अवैध होर्डिंग्स हटाने के आदेश पर कह रहे हैं कि ऑडिट के कारण कर्मचारियों को फुर्सत नहीं है। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। कई सालों से हम खुद अवैध होर्डिंग के खिलाफ में लड़ रहे हैं, ये आप जानते हैं, आपने कई बार समाचार चलाए और इस मामले में अधिकारियों को लिख के दिए, जो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आए उसकी काफ़ी कई बार दी, लेकिन और अभी पिछले हफ्ते प्रमुख सचिव के आदेश जारी हुए हैं, डायरेक्ट कलेक्टर और कमिश्नर के नाम से आ गए कि पूरे होल्डिंग हटाए जाए अवैध रूप से, लेकिन नहीं हटने के पीछे कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी लोग हैं नगर निगम के हो या प्रशासन के हो, ये और जो होल्डिंग माफिया है इनकी मिलीभगत सामने दिखती है कि ये इनकी मिलीभगत से हटाए नहीं जा रहे हैं। यानी प्रशासन, हमारा शासन, कमलनाथ जी सबकी सबके विचार अच्छे हैं, वो चाहते हटे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी वर्ग बीच में आड़े आ जाता है जो कि होल्डिंग माफियाओं से मिलकर और इस प्रकार के कार्रवाई नहीं कर। रही बात होर्डिंग हटाने की, अवैध होर्डिंग की, तो हम अतिशीघ्र हमारे अन्य विभागों में लोक निर्माण विभाग के साथ में समन्वय स्थापित कर जितने भी शहर में अवैध होर्डिंग है उनको हटाने का जल्द ही प्रयास करेंगे। सनवारा चौराहा पर नगर निगम ने अपना एक होर्डिंग लगाया ई नगर पालिका का, वो अवैध होर्डिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं जब लोग इनके हौसले बुलंद हैं, जब नगर निगम अवैध होर्डिंग लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? नहीं नहीं, देखिए अभी तक क्या है कि अवैध होर्डिंग के ऊपर इतना हमारे यहाँ जरूर है कि बुरहानपुर नगर निगम ने कठोर एक्शन नहीं लिया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं, क्योंकि अभी हमारी अन्य व्यवस्थाएँ थी, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, तो चूँकि हमारा पहला फोकस था रेवेन्यू को जनरेट कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा संपत्ति कर और राजस्व पिछले साल का हमारा 6 करोड़ बाकी था, इस साल की हमारी डिमांड 3 करोड़ थी। हमारा पहला चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे उसके लिए हमने अभी पूरा फोकस, आप देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से भी, आप लोगों ने हमें अच्छा कवरेज दिया है, हम लोग घर घर जाकर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, इवन मैं स्वयं जा रहा हूँ, कमिश्नर साहब भी जा रहे हैं, वो भी कई बार गए हैं, अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इसमें निरंतर लगे हुए हैं, हम जल्दी ही अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।